हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशंस और आज आपके साथ हम एक और टिफिन रेसिपी लेके आए हैं बच्चों के लिए। झटपट क्या बनाए, सुबह सुबह टेंशन होता है, तो ये रेसिपी आपकी टेंशन दूर कर देगा। आप इसे बना के दे सकते हो आपके बच्चों को, इवनिंग स्नैक्स में आप ये खा सकते हो, चटपटा सा कुछ खाने को मन करे तो। बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं घर पर, और ब्रेड स्लाइस हम मंगा सकते हैं। अगर हम पहले से ही सोच के रखे कि हमें ये प्रिपेयर करना है, तो आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ देख सकते हो, हमने सामने ही रखे हैं। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो, जो हर घर में अवेलेबल होते हैं इजीली। तो चलिए मैं एक एक करके आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी वेज टोस्ट। तो स्पाइसी वेज टोस्ट हम ब्रेड के साथ और बेसन के साथ बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक वाटी में बेसन ले लिया है। मुझे 4 से 5 स्लाइस ब्रेड ये करना है, इसलिए मैंने एक वाटी ली है। आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हो उतने आपको उस हिसाब से स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लस आपको बेसन लेना है। तो हमने ये लिया है बेसन एक कटोरी, उसके बाद 4 से 5 हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए है। अगर ये कम पड़ जाएगी तो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं बाद में भी, बट यहाँ पर हमने एक प्याज मीडियम बारीक चॉप कर ली है। आप कितना तीखा पसंद करते हो, तो मैंने 4 हरी मिर्च तीखे के लिए लिए है। टमाटर आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, तो आप चटपटा क्या करोगे? अगर आपको टमाटर इस स्टेज पे स्किप करना है तो उसकी जगह आप चाट मसाला डाल सकते हो, अमचूर पाउडर डाल सकते हो खटास के लिए, थोड़ा सा तीखा खट्टा मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आधा ही टमाटर लिया है इतने 4-5 स्लाइस के लिए। कोथिंबीर भी बहुत महंगी हो गई है, बट कोथिंबीर बहुत अच्छी लगती है ग्रीन ग्रीन, तो आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा येलोइश। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक जिंजर का डैश के लिए मैंने थोड़ा सा आधा इंच जितना जिंजर अदरक ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर हमारी जीरा है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमने सौंफ ली है, 1 टीस्पून भर के तीखी हुई रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मेरा अजवाइन है जो हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। ये बहुत सारी है बट दिखाने के लिए मैंने इतनी ली है, इससे कम हमें डालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम घोल बना लेंगे, तो धीरे धीरे हमें पानी डालना है और नमक हमारे टेस्ट के हिसाब से, तो एकदम ज़्यादा पतला घोल नहीं करेंगे हम, जिससे कि क्या होगा कि ब्रेड पे चिपकेगा नहीं और ब्रेड से सब चीज़ निकल जाएगी। तो अच्छे से एक घोल बना लेंगे, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी अजवाइन लेंगे गैस से प्रोटेक्शन के लिए या फिर ब्लॉटिंग से प्रोटेक्शन के लिए, और इस तरह से मसल कर हम यहाँ पर अजवाइन डाल देंगे। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, कुछ आप स्किप करना चाहते तो कर सकते हो। साथ ही में हरा धनिया, टमाटर, अदरक, मिर्ची और प्याज, ये सब भी हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, और साथ ही में नमक। तो आपके क्वांटिटी के हिसाब से आप नमक लीजिएगा, मैं हमारी क्वांटिटी के हिसाब से नमक ले रही हूँ, तो अराउंड 1/2 टीस्पून के हिसाब से मैंने ले लिया है। नमक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, टेस्ट कर लीजिएगा। तो इसे मिक्स कर लेंगे हम। अगर आपको ये गाढ़ा लग रहा होगा तो आप पानी ऐड कर सकते हो, और अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो ये हमारा घोल बनकर रेडी है, इसे 5 मिनट आप रख सकते हो साइड में। तो आपको दिखा देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा लिक्विड नहीं है, बस ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक पैन ले लो, नॉनस्टिक पैन या तवा या फिर आयरन का तवा, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो उस चीज़ में ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर तवा गरम हो गया है, मैं 1 चम्मच भर के तेल डाल दूंगी और इसे ग्रीस कर लूंगी अच्छे से। और अब हम
ये ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इसमें डिप करेंगे, इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बना रहे हैं। इसमें आप आपके पसंद की कोई भी सब्जियां डाल सकते हो, कॉर्न्स आते हैं, कैरेट आते हैं, बीन्स आती है, आपको जो पसंद है आप डाल सकते हो। और गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से इसे क्रिस्प कर लेंगे। वैसे मैं दूसरा ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल साइड में और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे। बड़ा ही कम तेल लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। आप इसे बटर में, घी में, आपके बच्चों के लिए जो हेल्दी होगा वो आप कर सकते हो। ब्राउन ब्रेड के साथ भी बनाया जा सकता है, जैसे कि कहा है सारी वेजीज डाल सकते हो। अगर एक्स्ट्रा क्रिस्प करना है तो इसमें एक चम्मच भरकर आप राइस फ्लावर डाल दो तो ऊपर की परत और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो हम इसे अब देख लेंगे, फ्लिप कर देंगे। वाव, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अमेजिंग आया है, क्रिस्प एकदम। तो एकदम धीमे आंच पे हम इसे पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ऑसम कलर ऊपर से दिख रहा है। हम फ्लिप कर लेंगे एक और बार। वाओ, ये देखिए हम अच्छे से। तो आप भी मज़ेदार इस तरह से बनाइए वेज टोस्ट, स्पाइसी वाला। ये ब्रेड स्लाइसेस के हमने बनाया है, तो अब इसे हम निकाल देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो आप इसको इस तरह से भी खा सकते हो, आप ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हो, छोटे छोटे स्क्वायर्स में भी कट कर सकते हो। इसको ही चार भाग में कट करके अंदर सॉस लगा के इसका सैंडविच बना सकते हो। तो बच्चों को इस तरह से वेरिएशन पसंद आती है। हम घर के लिए बना रहे हैं, इस तरह से बस इसे ट्रायंगल कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अमेजिंग नाश्ता हमारा इंस्टेंट एकदम रेडी है। तो मैं सारे स्लाइसेस को कट कर लेती हूँ और सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट पे। तो इस तरह से मैंने एक टमाटो सॉस रख दिया है बीच में, सर्व कर लिया है। आप हरी चटनी या जिस चीज से पसंद करते हो आप खा सकते हो, या फिर डायरेक्टली इसमें खुद फुल सैटिस्फाइड मिलेगा आपको। आप प्लेन भी खा सकते हो। तो झटपट से आप भी आपके किचन में जाइए और बनाइए, आपके बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। आई होप सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।